तो फ्रेंड्स ये मैंने ले ली है 1.5 लौकी, जो सिंपल सी लौकी आती है उसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसका पानी निचोड़ दिया। अब आप लोग ये कहेंगे कि ये वीडियो आपने क्यों नहीं बनाया। मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि कई बार मैंने लौकी बर्फी ट्राई करी बट वो अच्छी नहीं बन पाई, और मैंने एक दो वीडियो भी आपके साथ शेयर किए हैं जो लौकी की बर्फी की नहीं लौकी के हलवे के हैं। तो मेथड ठीक वैसा ही है, इसीलिए मैंने आपसे शेयर नहीं किया कि वीडियो हो जाएगा बड़ा। फिर बहुत से लोग ऐसे हैं ना, वो कमेंट करने लगते हैं कि आपका वीडियो बड़ा हो गया इसलिए नहीं देखा। चलिए इन सब बातों को स्किप करते हुए हम अपने कार्य में आगे बढ़ते हैं। और ये मैंने 1.5 लौकी अच्छे से निचोड़ लिए। इसको कच्चा ही निचोड़ना है, इसको मतलब आपको उबाल कर नहीं निचोड़ना, कच्चा निचोड़ लेना, बिल्कुल इसका पानी निकाल देना है। उसके बाद इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और उसके बाद इसको हम कुक होने के लिए गैस पर चढ़ाएंगे। तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगले स्टेप को लेकर। अब देखिए मैंने इसको गैस पे चढ़ा दिया है और इसको जब तक इसमें हल्का फुल्का मॉइस्चर रहे तब तक अभी इसको मैं और करना ज़्यादा नहीं, मुश्किल से उसमें 5 से 7 मिनट मीडियम फ्लेम पर, क्योंकि इसमें मॉइस्चर ही नहीं। इस तरह पानी से स्क्विश करके इसमें निकाल दिया है, इसका जो भी इसमें पानी होता है मैंने निचोड़ कर निकाल दिया है, तो हमें अभी इसमें मॉइस्चर नहीं है। फिर भी मैं इसको लगभग 5 मिनट तक कुक करूँगी। देखिए लगभग मैंने ये 5 मिनट कुक किया है, अब आप देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको पास दिखाती हूँ। ये देखिए कढ़ाई को पैन मतलब पैन को पकड़ने लगी, इसका मतलब इसका मॉइस्चर अब खत्म हो चुका है। अगर इसमें मॉइस्चर होता तो इतनी जल्दी ये मतलब हमारा ये जो लौकी है ये कढ़ाई को नहीं पकड़ती। अब ये लगभग मैं इसमें 1 कप फुल मिल्क बफेलो मिल्क यूज़ कर रही हूँ, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। और आप चाहें तो आप काऊ मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, बट कोशिश यही करिएगा कि ये फुल क्रीम हो। अगर आप इसमें मावा नहीं डाल रहे हैं तो, अगर मावा डाल रहे हैं तो विदाउट क्रीम भी चल जाएगा, बट मैंने इसको फुल क्रीम ही यूज़ किया है। और अब जब तक ये हमारा दूध भी अच्छे से इसमें ऑब्जर्व नहीं होता तब तक हम इसको कुक करेंगे। अब देखिए ये हमारी अच्छे से कुक हो गई है, और देखिए आप दूध जो हमने डाला था वो बहुत कम रह गया। तो अब इसमें शक्कर ऐड करेंगे, और शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकती हैं। मैं लगभग इसमें आधी कटोरी शक्कर डाल रही हूँ। देख लीजिए मैंने ये छोटा सा एक बॉक्स लिया है और उसको मैंने इतना रखा था क्योंकि मेरे यहाँ, मैं जैसा कि पुराने वीडियोज़ में भी आपको बताती रहती हूँ कि मीठी चीज़ थोड़ी मीठी ही पसंद करते हैं। जैसे चाय मेरे यहाँ एकदम फीकी फीकी नहीं पी जाती, मेरे यहाँ थोड़ी मीठी ही पी जाती है वैसे ही। तो मैंने इतना डाला है, अगर आप शक्कर कम पसंद करते हो तो आप आधी कटोरी भी कर सकते हैं। मेज़रमेंट के हिसाब से जिस कप से मैंने दूध लिया था उसी कप से मैंने 1 ही कप शक्कर ली है। और अब शक्कर को मेल्ट होने देंगे अच्छे से, जब तक ये शुगर हमारी मेल्ट नहीं हो जाती तब तक हम इसको बराबर चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसमें हमारा जो मिल्क मैंने ऐड किया था वो भी लगभग लगभग सूखने पे आ गया। अब इसी स्टेज पे हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड कर रहे हैं क्योंकि इसको हमें बिल्कुल बाजार की तरह बनाना है, और कोशिश मैं इस बार यही कर रही हूँ कि बिल्कुल मार्केट स्टाइल बन के तैयार हो। और इस तरीके से ये मिल्क मतलब ये जो कलर ऐड इसीलिए केवल किया है कि इसका जो कलर है वो बिल्कुल मार्केट की तरह आए, क्योंकि चौकी को ज़्यादा देर कुक करते हैं तो उसको थोड़ी वाइट वाइट कलर की हो जाती है। और अब आप देखिए इसमें अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब जब बिल्कुल हमारी लौकी के बर्फी का मॉइस्चर ख़त्म हो गया है तो इसमें हमने लगभग ये आप देख लीजिए ये लगभग 250 ग्राम मावा ऐड किया, बल्कि 250 ग्राम में थोड़ा सा कमी ही मैंने रखा है। मैंने कल 1/2 kg मंगाया था और मैंने इसको पूरा ऐड नहीं किया है, आधे ज़्यादा मैंने छोड़ दिया है। मतलब 200 ग्राम आप समझ लीजिए मैंने इसमें मावा ऐड किया है। और अगर आपके पास मावा नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप बिना मावा भी बना सकते हैं। आप मावा की जगह पर इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप एक काम करिएगा, आप 15-20 काजू लीजिएगा और उसका फाइन पाउडर बनाने के बाद उसमें लगभग 3 से 4 चम्मच घर की बढ़िया मलाई डालकर और एक बार फेंट दीजिएगा, और आप वो डालेंगे तो भी आपका बिल्कुल यही टेक्स्चर बन के तैयार होगा। अब अच्छे से मावा को इसमें मिक्स कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमारी अच्छे से देख रहे होंगे आप, ये हमारी पैन को छोड़ने लगी है बर्फी। बस इसी स्टेज पे हम लगभग इसमें 1 से 1.5 चम्मच घी केवल इसलिए और ऐड करेंगे कि इससे थोड़ा हमारी जो लौकी बर्फी है वो सख्त नहीं होगी, एकदम थोड़ी शाइनिंग वाली भी बनेगी
और इसके साथ साथ सॉफ्ट भी बनेगी। चलिए अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं ऑफ। अब एक थाली को कर लेंगे अच्छे से ग्रीस। अगर आपके पास कोई भी बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे हो तो आप उसमें भी जमा सकते हैं। एक्चुअली अभी मेरे पास है भी नहीं और मैं इसलिए नहीं ले रही हूँ कि मुझे स्टील में मिल नहीं रही, और मैंने जैसा कि और वीडियो में आप लोगों को बताया है कि मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम की ही मिल रही हैं, और नहीं मिलेंगी फिर तो लास्ट ऑप्शन में मैं खरीदूँगी ही। और बस इसी तरीके से अपनी सारी बर्फ़ी जो है वो मैं इस ट्रे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और अब इस तरीके से किसी भी स्पैचुला में दोनों साइड में घी लगाकर इसको बिल्कुल एक सार कर देंगे। अगर आप पतले पीसेज इसके कट करने चाहते हो तो आप किसी और बड़े बर्तन में करिएगा ताकि इसके पतले पतले पीसे जाएं। मैं थोड़े थिक ही रखूंगी और इसको 7 से 8 घंटे के लिए मैं रेस्ट पे रख दूंगी एक सार करने के बाद। और इसके बाद अगर आप चाहें तो गार्निश में इसमें ऊपर कुछ लगा सकते हैं। मैं देखती हूँ, अगर मैंने भी चाहा तो मैं कोई थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट ऐड कर दूंगी, या तो काजू या बादाम, बस यही चीज़ें इसमें लगेंगी क्योंकि पिस्ता का कलर सेम होता है तो इसमें पिस्ते तो नहीं लगाए जाएंगे। चलिए अब इसको 8 से 9 घंटे के लिए, लगभग 7 घंटे के लिए तो आप रखिएगा, और अगर 8 से 9 घंटों के लिए रख देंगे या ओवरनाइट तो आपकी बहुत अच्छी सेट हो जाएगी ये बर्फी। तो देखिए फ्रेंड्स, बन के तैयार है हमारी एकदम बढ़िया लौकी की बर्फ़ी। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने मन के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे ना ड्राई फ्रूट्स ऐसे नहीं खाते हैं। वैसे अगर बादाम वगैरह भीगे दे दो तो खा लेते हैं, पर इस तरीके से तो नहीं खाते हैं। तो मैंने कुछ चांदी का वर्क मंगाया था बट वो नहीं आ पाया। तो चलिए अब इसको मैं इसमें मैंने कट मार्क्स लगा लेती हूँ और फिर इसको अपने मन चाहे शेप में हम लोग कट करेंगे। तो बन के तैयार है हमारी एकदम बढ़िया लौकी बर्फी। अगर आपको मेरा वीडियो कहीं पर भी पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी किसी नया इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय।